11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद साल 2015 को इस दिन को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। 21 जून विश्व योग के उपलक्ष्य में आज 80 घाट पर 95वें बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष की अध्यक्षता में और अनिल कुमार सिंह सांग गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश के सहयोग से योग कार्यक्रम कराया गया। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य ऑफिसर्स और जवान को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना और आम जनमानस को योग के प्रति जागरूक करना है। खबर मिर्जापुर शाहजहांपुर के पास की है, जहां पर दो बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और साथ ही साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर फरुखाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला प्रभारी जनाब इरफानुल हक कादरी, जिला प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर शाह के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौर के साथ उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बैठक में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। इस तरह से 2024 अब बहुत ही नजदीक है और वर्तमान में देश की हालतों को देखते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अनुपालन में पूरे प्रदेश में बूथ स्तर की कमेटियों का गठन हो रहा है और बूथ स्तर तक पहुंचने के लिए हम अपने बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे और जब हमारा बूथ मजबूत होगा तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जिनसे किसान परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है और देश परेशान है, इससे हम निजात पाने का 2024 में काम करें। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बीजेपी ने इस तरह का प्रोपोगंडा इस देश में सेट कर रखा है। आज तकरीबन 15 से 16 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन प्रोपोगंडा इस तरह से दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे भारत देश में है। और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अगर बूथ लेवल तक अगर अच्छा काम करने का काम किया तो जब हमारा बूथ मजबूत होगा। खबर सहारनपुर से है, जहां भारत योगा स्पोर्ट्स के तत्वाधान में बीआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में प्रथम डिस्ट्रिक्ट योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह ने अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बता दें भारत योगा फेडरेशन के जिला सहारनपुर प्रेसिडेंट शगुन सोम और कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ सोम को योगा वृंदावन में प्रथम बार चैंपियनशिप कराने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं डॉक्टर दीपक सोम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्ण गुप्ता के आदेश अनुसार महोबा जनपद के समस्त स्थानों और कोतवाली में महीने के द्वितीय और प्रथम शनिवार के दिन जनसुनवाई हुई, साथ ही थाना दिवस के रूप में लोगों की समस्या का निस्तारण भी किया गया। वहीं महोबा जनपद अजनर थाना प्रभारी और क्षेत्र के सभी ग्रामीण लेखपाल और ग्रामवासी क्षेत्रवासी उपस्थित थे, जिसमें जमीनी समस्याओं और घरेलू समस्याओं का निस्तारण किया गया। जलान से एक खबर सामने आई, जहां पर सवारियों से भरा तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार तोड़कर खंडक में जा गिरा। ऑटो में सवार एक महिला और मासूम बच्चा समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखते ही देखते मौके पर चीख पुकार मची, सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की मदद से 2 एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी पहुंचाया। डॉक्टरों ने महिला और बच्चे की नाजुक हालत देखते हुए मेडिकल कॉलेज उरई के लिए रेफर कर दिया।